नीचे मुल्तान की गफलत। शहर औलिया में ग्रीन बेल्ट की हालत ज्यादा खराब। बिहाड़ी चौक अंडर बायपास ग्रीन बेल्ट पर पौधे मुरझा गए, घास का नामो निशान तक मौजूद नहीं। मालियों ने भी आना छोड़ दिया। कई बार इंतजामिया को आगाह किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से ग्रीन बेल्ट की हालत ज़ार बेहतर बनाने का मुतालबा। पीएचए मुल्तान के तफरी फ्राहम करने के दावे हवा। जिना पार्क में लगे झूले 6 माह से गैरफाल। कई माह गुजर जाने के बावजूद झूले ठीक ना हो सके, बच्चों का झूलों को फाल करने का मुतालबा। संडे के दिन यहाँ पर पार्किंग के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर झूले नहीं। हम यहाँ पर संडे के दिन झूले झूले आए थे पर यहाँ पर झूले नहीं है, हम कैसे झूले। रहीम यार खान में सीवरेज मसाइल हल ना हो सके। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाही पर जामे कॉलेज और कॉलोनी स्कूल के दुकानदार सरापा एहतजाज। गली में सीवरेज और सफाई के नाकिस इंतजाम, अमला गायब, गंदगी के अंबार। पैदल चलना भी हो गया दुश्वार। दुकानदारों का मुतल्लिका हुकाम से फौरी अमली इकदाम का मुतालबा। नए साल महंगाई का तोहफा। पहले ही माह पेट्रोलियम मसनूआत में हो गया दोबारा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल 3 रुपए महंगा। लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर बढ़ गई। मुल्तान समेत साउथ पंजाब में शहरी सरापा एहतजाज। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल जो महंगा ना सही भाई जान बहुत खसारे थे अपने पेट्रोल नाल। कुछ भी कहे ना ये नहीं किसी के सुनती है। कभी 4 रुपए बढ़ रहे हैं, कभी 10 बढ़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। ये खान साहब ने कहा कुछ है और किया कुछ है। 100 रुपए लीटर है, 150 रुपए लीटर थी आकड़े। और गरीब बंदा कि 400-700 रुपए की बाहर है। तब्दीली आएगी, सारे गरीबों का खाना खराब कर देते जी। अच्छा गरीब दवाई नहीं खेल सकते, सारा क्या आखो अल्लाह को हदायत देवे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक ही माह में 2 बार इजाफा जुल्म है। ताजरों का शदीद रद्द अमल। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशाम उल हकीम मुल्तान में रोही से गुफ्तगू। बोले हुकूमत गरीब आवाम से रोटी का नवाला ना छीने। तेल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। आप 5 रुपए उस वक्त कम ना करते। अगर आपने 7 रुपए बढ़ाना था, आपने 5 कम करके 7 रुपए बढ़ा दिया, 2 रुपए का मजीद इजाफा ले लिया। तो समझ से बाहर हो रही है कि समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। पीपल्स पार्टी रहनुमा हाजी शाहिद अजहर सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आ गया। एक माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। शायद रुपया की कीमतों में 17% इजाफा। पहले भी हम हर फोरम पे महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह एहतजाज अपनी आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ। यूरिया खाद का बहरान। कहरोड पक्का का किसान परेशान। डीलर्स की दुकानों पर लंबी लाइनें। किसान खाद के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे। किसानों का डीलर्स पर यूरिया खाद स्टॉक करने का इल्जाम। बरवक खाद न मिलने से गंदम की फसल का रंग पीला पड़ने लगा। फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा। ओमिक्रॉन का खतरा। क्या क्या पाबंदी लगेगी, स्कूल खुले रहेंगे या होंगे बंद। फैसले के लिए सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास कल तलब। शादी ब्याह की तकरीबात के नए SOPs का फैसला भी पीर को होगा। मुल्तान में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अवानपुरा को मिडिल स्कूल का दर्जा मिल गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मनसूबे का संगे बुनियाद रखा। तकरीब में तर्जुमान वजीर आला नदीम कुरैशी, चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख तारिक, रहनुमा तहरीक इंसाफ अमीन अंसारी, सखावत अंसारी, दानिश खान, शाजिया वहीद अरानी और सैयदा अरूज फातिमा की शिरकत। गैर हाजिर डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ होगी कार्रवाई।
मुल्तान में RHC और सिविल डिस्पेंसरी की मॉनिटरिंग शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम ने कहा मुतलका चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान डिस्पेंसरी को मुकम्मल फाल करने के जिम्मेदार होंगे। आराजी इस्तेमाल का काम बंद होने पर काश्तकारों का एहतजाज। तौंसा शरीफ मौजा चटपानी में कलमा चौक पर किसानों का मुजाहरा। काश्तकारों का कहना है कि बाज़ बाज़र अफराद आराजी इस्तेमाल का काम मुकम्मल नहीं होने दे रहे हैं, जमीनों की अहमियत बढ़ने पर रुकावटें पैदा की जा रही हैं। मुल्तान में मोटर्स कार डीलर्स एसोसिएशन का आने वाले लोड पर एहतजाज। मुजाहरीन का गाड़ियों की ट्रांसफर और न्यू रजिस्ट्रेशन आसान बनाने का मुतालबा। सदर चौधरी ताहिर चेयरमैन अजहर मुमतान टीपू समेत दीगर अहदेदारान की एहतजाज में शिरकत। निश्तर मुल्तान के लिए अच्छी खबर। निश्तर एलुमनाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने निश्तर अस्पताल को 3 जदीद एंडोस्कोप अदिया कर दी। नाना के वक्त ने जूनियर डॉक्टर्स की तरबियत को सराहा। अद्यात जागत ने कहा मुल्तान में स्पेशल बच्चों की तालीम के लिए इकदाम। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में भी कुरान पाक की तालीम लाजिम करार। नाबीना बच्चों के सिलेबस में कुरान पाक की तालीम शामिल। चेयरपर्सन सेंटर सादिया कुरबानी का कहना है बच्चों को बाकायदा तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाएगा। जतोई प्रेस क्लब के इंतखाबात सनसनी खेज मुकाबले के बाद राणा बाबर सदर और सलीम खान लाइव चल सकती मंतखब। जीतने वाले उम्मीदवारों के हाथों के ढोल की थाप पर भंगड़े। उधर बस्ती मलोक प्रेस क्लब के इलेक्शन चौधरी रिजवान यूसुफ सदर और चौधरी शाक अहमद जनशक्ति मंथब जीतने वाले हाथों की जानिब से रैली भी निकाली। अलीपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इंतखाबात गिनती जारी। 2000 से ज्यादा वोटर्स ने अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया। चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए 2, सदर के लिए 4 और जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। इलेक्शन में 50 टेनिस बॉल और 30 लेदर बॉल की टीमों ने हिस्सा लिया। सीरियस फार्म में जिला इंतजामिया खेलों को फरोग देने के लिए मुतहरिक। कमिश्नर लियाकत चट्टा का कोहिर सुलेमान मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड का दौरा। नामियाती कामों का जायजा। मुतलका अफसरान की तफसीली ब्रीफिंग। कमिश्नर की स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लोधरा में जहांगीर तरीन और अली तरीन की टेनिस खेलने की वीडियो वायरल। जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के हमरा टेनिस के शॉट्स लगाते रहे। सियासी और कारोबारी मसरूफियात से हटकर एक्सरसाइजेस तरीन फैमिली की रूटीन है। जहांगीर तरीन की जिम में एक्सरसाइज करते वीडियो भी खासी मकबूल हुई थी। सर्द मौसम के अपने मजे। मुल्तान के किला कोना कासिम बाग में बच्चों की मौज मस्तियां। किसी ने झूले झूले तो कोई भाग दौड़ करने में मशगूल रहा। तफरी के लिए आई फैमिलीज भी खूब लुत्फ अंदोज होती रहीं।